कक्षा 11वीं केमिस्ट्री का हमारा अध्याय क्या चल रहा है? हमारा जो अध्याय है, हमारा जो चैप्टर है, उसका नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन अध्याय क्या चल रहा है हमारा? कार्बनिक रसायन। इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? सजातीय श्रेणी क्या होती है? सजातीय श्रेणी, पहले एग्जाम्पल बताऊंगा फिर परिभाषा पे आएंगे। मैं एक श्रेणी ले रहा हूं, एल्केन श्रेणी, एल्केन श्रेणी लिखते हुए चलना है। क्या लिया मैंने? एल्केन श्रेणी लिया। कौन सी श्रेणी लिया? एल्केन श्रेणी। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? लिखो यहां पर सामान्य सूत्र। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ये होता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र। क्या होता है एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र? CnH2n+2। अब सबसे पहले यहां पर मैं n का मान 1 रखूंगा, n का मान कितना रखूंगा? 1 रखूंगा। C का हो गया C, n का मान 1, 1 को लिखते हैं क्या? नहीं, ये एक हो गया, लिख दिया ना। एच का हो गया एच, एन का मान एक लिया, एक दो गुणित एक, दो एक कम दो और दो कितना हो गया? चार। CH4 हो गया। क्या हो गया? CH4 हो गया। अब एन का मान दो रखेंगे, एन का मान कितना रखेंगे? दो। सी का हो गया सी, एन का मान कितना? दो। एच का एच, एन का मान कितना? दो। दो गुणित दो, दो दुनी चार और दो छह, C2H6। अब n का मान 3 रखेंगे, C का हो गया C, n का मान कितना रखना है? 3। H का हो गया H, n का मान कितना रखेंगे? 3, 3 गुणे 2, 3 दुनी 6, 6 और 2 कितना हो गया? 8, है ना, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया, क्लियर। अब n का मान रखेंगे यहाँ पर 4, क्या होगा यहाँ पर n का मान? 4, C का हो गया C, n का मान कितना रखें? 4। H का हो गया H, 4 रख दी, 4 गुणे 2, 4 गुणी 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10। और यहां पर एक चीज अपन गौर कर सकते हैं, कार्बन कितने बढ़ रहे हैं? कार्बन 2 हो गए, फिर 3 हो गए, 4 हो गए, क्रम से एक कार्बन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन कितने बढ़ रहा है? 4 से फिर 6, 2 2 बढ़ रहा है, 6 से 8, फिर 2 बढ़ गए 10। अगला क्या जाएगा? C5, C5H, ये 2 हो जाएंगे H12, फिर एक और बढ़ जाएगा C6H14। इसके बाद 6 के बाद C7H, 14 के बाद क्या जाएगा यहाँ पर? ये 16, फिर C8H कितना जाएगा? 18, C9H कितना जाएगा? 20, फिर C10H कितना जाएगा? 22, ठीक। अब इसके बाद इसको भी नोट करना है, अगर कार्बन की संख्या सिर्फ एक है तो इसको मेथ बना जाता है, मेथ ना, लिखते भी चल रहा है पूरे भूल जाओगे। एक कार्बन को पढ़ते मेथ, दो कार्बन को पढ़ के पढ़ेंगे एक, कार्बन की संख्या 3 है इसको भी पढ़ेंगे प्रो, कार्बन की संख्या 4 है इसको भी पढ़ेंगे ब्यूट पढ़ेंगे। इसको बिल्कुल याद कर लेना, हर जगह लिखने वाला है, हर जगह। कार्बन की संख्या 5 है स्कूल में पढ़ेंगे पेंट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 6 स्कूल में पढ़ेंगे हेक्स पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 7 है स्कूल में पढ़ेंगे हेप्ट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 8 है स्कूल में पढ़ेंगे ऑक्ट पढ़ेंगे, कार्बन की संख्या 9 है स्कूल में पढ़ेंगे नोक पढ़ेंगे, और कार्बन संख्या 10 है स्कूल में पढ़ेंगे डेथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम? डेक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डेक, क्लियर। इसको हम पढ़ेंगे क्या? डेक पढ़ेंगे, डेक 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 पढ़ेंगे। अब एल्केन श्रेणी में लास्ट में हमेशा एन अनुलग्न जोड़ा जाता है,
अनुलग्न का मतलब होता है जो लास्ट में जुड़ता है, हमेशा क्या जुड़ता है, एन अनुलग्न जुड़ता है। तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, सी एन एच टू एन प्लस। अनुलग्न क्या होता है, इसमें एन अनुलग्न जोड़ा जाता है। कार्बन की संख्या क्या होती है, एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, दो कार्बन को एथ पढ़ते हैं, तीन कार्बन को प्रोप पढ़ते हैं, चार कार्बन को ब्यूट पढ़ते हैं, पांच कार्बन को पेंट पढ़ते हैं, छह कार्बन को हेक्स पढ़ते हैं, सात कार्बन को हेप्ट पढ़ते हैं, आठ कार्बन को ऑक्ट पढ़ते हैं, नौ कार्बन को नोक पढ़ते हैं, दस कार्बन को डेक पढ़ते हैं। ठीक, और इसमें क्या जुड़ते हैं, लास्ट में एन। अब सी एच फोर का नाम क्या है, देखो सी एच फोर का नाम, एक कार्बन का पढ़ते हैं, यहां पर कार्बन कितने हैं, एक ही कार्बन है, कार्बन कितने हैं, एक ही है, तो एक कार्बन का क्या पढ़ेंगे यहां पर, मैं। एक कार्बन को मतलब पढ़ेंगे मैं धन। और एल्केन श्रेणी का है ये, एल्केन श्रेणी में लास्ट में क्या जुड़ता है, एन। तो मैं धन एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। मेथ धन एन बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। दो कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, दो कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, एथ पढ़ा जाता है। दो कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, दो कार्बन को एथ पढ़ा जाता है, क्या पढ़ते हैं, एथ। और अनुलग्न क्या जोड़ता है इसमें, एन। एथ धन एन बराबर क्या जाएगा, एथ। C2H6 को क्या पढ़ते हैं, एथेन। तीन कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, तीन कार्बन को प्रोप पढ़ा जाता है, प्रोप धन एन क्या जाएगा, प्रोपेन। तो C3H8 को हम क्या पढ़ेंगे, प्रोपेन। क्या पढ़ेंगे इसको, हम प्रोपेन पढ़ेंगे। चार कार्बन को क्या पढ़ा जाता है, चार कार्बन को ब्यूट पढ़ा जाता है, तो ब्यूट धन एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। ब्यूटेन ब्यूट धन एन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। यहाँ कितने कार्बन है, पांच कार्बन है, पांच कार्बन को हम क्या पढ़ते, पेंट पढ़ते। और अनुलग्न क्या जुड़ता है इसमें, एन जुड़ता है, पेंट धन एन क्या हो जाएगा, पेंटेन। छह कार्बन को क्या पढ़ते, छह कार्बन को हम हेक्स पढ़ते हैं, और अनुलग्न क्या जुड़ता है इसमें, एन जुड़ता है, तो हेक्स धन एन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। छह कार्बन वाला को हम क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन क्या हो जाएगा, हेक्सेन। सात कार्बन को हम क्या पढ़ते, हेप्ट पढ़ते, सात कार्बन को हम क्या पढ़ते, हेप्ट। और अनुलग्न क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, तो हेप्ट धन एन क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्ट धन एन क्या हो जाएगा, हेप्टेन। इसके बाद आठ कार्बन को हम क्या पढ़ते, ऑक्ट पढ़ते, क्या पढ़ते, ऑक्ट। और एल्केन श्रेणी क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है, ऑक्ट धन एन क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, ऑक्टेन। नो कार्बन क्या पढ़ते, नोक पढ़ते, क्या पढ़ते, नोक 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 नोक। और नोक का एन क्या जाएगा, नोकेन। क्या हो जाएगा, नोकेन। दस कार्बन क्या पढ़ते, डेक डेक, क्या पढ़ते, डेक। और डेक का एन क्या जाएगा, डेके डाकिन डेकिन डेके। जो होगा तुम्हारा क्लियर धारलेस को।